मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा रेसिपी जिसका नाम है भुना आलू चिकन। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले आप तेल गर्म करेंगे। तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें आधा कप जितना। इसमें आप डालेंगे साबुत मसाले, तो ये है काली मिर्चें 10 अदद हैं, लौंग हो गई 6 अदद, साबुत मोटी इलायची होती है काली 2, ज़ीरा 1 टीस्पून और 1-1 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी है। इसे गर्म तेल में डाल के थोड़ा सा मिक्स करते हैं, जायका बीच में जो है रिलीज़ हो जाता है। और यहीं पर आपने जो है फिर ऐड कर देना है जो कि ग्राइंड किया हुआ प्याज है। और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट, फ्लेम हाई पर रखें और इसको अच्छी तरह आपने जो है डार्क ब्राउन की तरफ करके ले करने की कोशिश करनी है। इसमें प्याज जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ के डाले हैं। अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप 2 बड़े भी कर सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के इसमें अनियन हैं, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून। तो ये इसे अच्छी तरह गोल्डन कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। फिर देखिए अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हो कि बादामी रंग से ज़्यादा डार्क हो गया हुआ। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि टमाटर हैं, ये मैंने ग्राइंड किए हुए हैं। 3 लार्ज साइज के मैंने टमाटर इस्तेमाल किए हैं। पीछे लेके बीच में एक टमाटर, साथ ही जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, सॉल्ट यानी कि नमक हो गया 1.5 टीस्पून, कम ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक खुद कर सकते हैं। हल्दी जाएगी बीच में 1/2 टीस्पून जितनी, ज़ीरा पाउडर प्लस क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून भर कर चाहिए हीट, और धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून भर कर आप डालते हैं। तमाम मसालों को डालें, अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको फ्लेम आप हाई पर ही रखेंगे। इतना को करना है कि जो टमाटर का पानी है वो खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें तेल आ गया सरफेस पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऐड करने हैं जो कि पोटैटोज़ हैं, आलू 1/2 किलो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने पसंद से कर सकते हैं। तो ये कि फ्लेम हाई पर रखें और इसी मसाले में आलू को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। अब आपने जो है इसमें चिकन ऐड कर देनी है। 1/2 किलो आलू के साथ मैं चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ 1 kg जितनी। आप इसका रेशियो खुद ही कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चिकन ज़्यादा कर लें आलू कम कर लें, या फिर आलू ज़्यादा और चिकन कम, जिससे आपका दिल जाए। इसको अच्छे से मिक्स करें, फ्लेम हाई पर रहने दें और इसको तकरीबन आप देंगे 10 मिनट और चिकन को अच्छी तरह आपने इस मसाले में भूनने देना है। अब आपने जो है इसमें ऐड कर लेना है पानी, 1 गिलास इतना पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर रखिए। जैसे ही इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रखे इतना को करेंगे कि जो पानी है वो दोबारा खुश्क हो जाए। चिकन आलू अच्छे से गल जाना चाहिए, काफ़ी इसकी भुनाई की है तो ये कि चिकन उसी में हो जाता है, आलू भी जल्दी गल जाते हैं। तो ये कि इसको अच्छी तरह गल जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पर जो है पानी बिल्कुल खुश होने वाला है और तेल जो सरफेस पे आने लगा है। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून जितना, चंद हरी मिर्चें हैं 3 से 4 डाल लें, बीच में हरा धनिया भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें कसूरी मेथी डालती हूँ। तो आप 2 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी डालें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर आप इसको दम पर रख देंगे जब तक कि तेल सरफेस पर आ जाए। तो ये कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख लेते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं भुने हुए आलू और चिकन का सालन, बहुत ही मज़ा बनता है। इसके साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुदीने की चटनी या अगर आप चाहें तो लहसुन का रायता भी खा सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको जो है लिंक शेयर कर दिया जाएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। सर्व आप इसे करते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ नान या फिर पराठे। बताइए बनाइए आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।